मैं तो अल्लाह के काम करे इस काम है इस काम को बढ़ाने की जिम्मेदारी अल्लाह धीरे धीरे लो धीरे धीरे थोड़ा सा आगे लो अंदर सी देंगे चला अंदर जा खा लेगा पूरे पब्लिक भरे हुए हैं इधर क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी जो हम है मौजूद शाह अब्दुल रज्जाक रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में मौजूद है। ये दरगाह के बाहर वाले हिस्सा है जहाँ पर हम मौजूद है, और इंशाल्लाह जो है आपको जो है अंदर के हालात दिखाएंगे। काफ़ी खूबसूरत दरगाह है, लोगों की भीड़ रहती है हर वक्त, और पर डे जो है हज़ारों लोग आते हैं इनके मज़ार में और अपनी मन्नतें मांगते हैं। अल्लाह तबारक तआला इनके वसीले से उनकी मन्नतें भी पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और आपको जो है हम अंदर के हालात दिखाते हैं। हमारे वीडियो में बने रहे दरगाह के दोस्तों, काफ़ी भीड़ है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और काफ़ी कसीर तादाद में लोगों की भीड़ है। मस्जिद है, और चलिए हम दरगाह की तरफ आपको लेकर चलते हैं। दरगाह अंदर है, हाँ फाइनली ये दरगाह का गेट है, तो हम जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं। चलिए अंदर दोस्तों, हम जो है अब्दुल रज्जाक दरगाह, ये है दरगाह का नाम है अब्दुल रज्जाक, इसी में हम दाखिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ सुभान अल्लाह दोस्तों, ये दरगाह अब्दुल रज्जाक है और काफ़ी खूबसूरत दरगाह है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी दोस्तों सैयद अब्दुल रज्जाक जिनका ये दरगाह है, आप अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और सुल्तान आदिल शाह के ज़माने के आप अल्लाह के वली थे, लेकिन जो बादशाह थे सुल्तान आदिल शाह, उनके पीर व मुर्शिद सैयद हाशिम पीरा थे, ये अल्लाह के बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, और इन्हीं की दुआओं की वजह से जो है गोल गुंबद की तामीरात का जो काम मुकम्मल हुआ था। तो बादशाह अपने पीर व मुर्शिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत रखते थे, लेकिन बादशाह के जो पीर व मुर्शिद थे सैयद हाशिम पीरा, वो अक्सर सैयद अब्दुल रज्जाक के पास आकर बैठा करते थे और उन्हीं से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। तो बादशाह को जलन होता था, बादशाह सोचते थे कि मेरे पीर व मुर्शिद इतने बड़े अल्लाह के वली हैं और आप जो है एक फ़कीर के पास जाकर बैठा रहते, तो बादशाह को अजीब नागवारा गुजरता था और दिल ही दिल में बुरा समझते थे कि मेरे पीर व मुर्शिद इतने बड़े अल्लाह के वली और इस फ़कीर के पास क्यों बैठा करते थे। वो बादशाह को ये नहीं मालूम था कि वो जो फ़कीराना लिबास में है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बहुत बड़े वली शाह अब्दुल रज्जाक है। तो एक दिन क्या हुआ, बादशाह अपने महल से निकले और निकलने के बाद सोचा कि अपने पीर व मुर्शिद से मुलाकात करूँ। जब पीर व मुर्शिद के बारे में पता किया तो पता चला कि उनके पीर व मुर्शिद सैयद शाह अब्दुल रज्जाक के पास मौजूद है। तो अपने पीर व मुर्शिद मुलाकात करने के लिए पीर व मुर्शिद के पास आए, तो अपने पीर व मुर्शिद से मुलाकात किए, लेकिन आपके बाजू में जो सैयद अब्दुल रज्जाक थे उनको आप ना सलाम किए ना उनसे मुलाकात किए, तो आपके पीर को जो है सैयद हाशिम पीर को जो नागवारा गुजरा और आप जलाल में आकर फरमाने लगे बादशाह से कि सुल्तान आदिल शाह तुम क्या करो, शाह अब्दुल रज्जाक के जो पीछे जो खिड़की है यानी विंडो जो है, आप जो है उस खिड़की से जो है ऊपर दूसरे तरफ छलांग लगाओ। तो बादशाह को जब अपने पीर व मुर्शिद का हुक्म मिला तो सुल्तान आदिल शाह जो है उस खिड़की के तरफ से छलांग लगा दिए, दूसरे तरफ छलांग लगाए। जो ही दूसरे तरफ गए तो एक अलग दुनिया थी,
इधर की दुनिया अलग थी उधर की, जब खिड़की से उस पार गए तो एक अलग ही दुनिया का नज़ारा था। एक खूबसूरत महलात मौजूद है और खूबसूरत बागात है, खूबसूरत महलात है और हीरे जवाहरात मोतियाँ जो है पड़ी हुई है। तो बादशाह ने इन चीज़ों को देखा, बड़े ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी जगह है और ये किसका इतना खूबसूरत महल है और ये हीरे मोती ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बादशाह ने सोचा, हीरे को जो है झुककर हीरे को उठाकर देखना चाहा। इतने में कुछ लोग आकर रोक दिए, कहा कि अरे बादशाह ठहर जाओ, इसे क्यों उठा रहे? तो बादशाह ने कहा, मैं इसलिए उठा रहा हूँ ताकि इसकी खूबसूरती को देखूँ, ये किसके इतने कीमती हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। उसने कहा, बादशाह तुझे मालूम नहीं ये किसके हैं? ये सैयद शाह अब्दुल रज्जाक के हैं। इतना सुना कि बड़ा बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिसके बारे में जो है मैं बुरा गुमान करता था, जिसकी इज्जत नहीं करता, ये उसकी शान और शौकत है। तो एक रिवायत में आया है कि वो जो बादशाह ने खिड़की की तरफ उस पार देखा, तो एक रिवायत में कहा गया है कि वो जो है जन्नत का नज़ारा दिखाया गया था। दूसरी रिवायत ये है कि जो सैयद शाह अब्दुल रज्जाक के जो एक खादिम थे, यानी उनके एक मुरीद था, तो उसने जो है सैयद अब्दुल रज्जाक को ये महल और ये हीरे तोहफे में पेश किया था। तो सैयद अब्दुल रज्जाक ने इन हीरे और इन महलात को ठुकरा दिए, कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे जो है मेरी जो रज़ा है वो ये है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मैं अल्लाह से राज़ी हो जाऊँ, उनकी ये रज़ा थी। तो बादशाह ने जब इन महलात, इन हीरे और कीमती जवाहरात को देखा तो उनकी जो दिल की दुनिया बदल गई, और जब खिड़की से इस पार आए तो इधर की दुनिया अलग थी। तो बादशाह को अपनी जो है आदत पर, अपनी तरीके पर जो है बहुत ही नदामत हुई और बादशाह बहुत शर्मिंदा हुए और सैयद अब्दुल रज्जाक के हाथों में हाथ देकर उनसे माफ़ी मांगे। और उसी दिन से जो है बादशाह सैयद अब्दुल रज्जाक जो अल्लाह के वली थे उनसे मोहब्बत, वलहाना मोहब्बत, बेशुमार मोहब्बत करने लगे। तो ये थे सैयद अब्दुल रज्जाक का वाकया, और अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, बहुत खूबसूरत दरगाह है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए बीजापुर। दोस्तों ये हम फर्स्ट दरगाह में गए थे और ये सेकंड वाला दरगाह है, चलिए अंदर चलते हैं। मेन गेट किधर से जाने का? इधर। हाँ बने क्या ये सेकंड वाला दरगाह जो है आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी साफ सफाई का काम चल रहा है, अभी गेट कुछ देर के लिए बंद कर दिए। तो अभी कुछ देर के लिए जो है गेट को बंद कर दिए और साफ सफाई का काम चल रहा है। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत दरगाह है यहाँ पर, शाह अब्दुल रज्जाक का दरगाह है सामने वाला, और ये जो है फ्रंट में दरगाह का। गेट बंद है अभी। साफ सफाई हाँ बंद, अंदर जाना है, बंद है अभी। दोस्तों अभी फिलहाल दरवाज़ा बंद है और कुछ ही देर में जो है दरवाज़ा खुलने वाला है, तो अंदर के हालात आपको बताएंगे। काफ़ी खूबसूरत दरगाह है। पहला वाला दरगाह जो है शाह अब्दुल रज्जाक अली रहमा का था और ये उनके दोस्त का ही ये है मज़ार है, लेकिन नाम मुझे कंफर्म नहीं मालूम, रुकिए आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों अभी तो दरवाज़ा बंद है फिलहाल, तब तक ऊपर के हालात आपको दिखा, क्योंकि अल्लाह वालों ने मस्जिदों से मोहब्बत की और उनका ये मकाम मिला कि वो लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। देखिए लोगों की किस तरह भीड़ लगी हुई है, बाप रे काफ़ी लोग आ रहे हैं दूर दराज से। चले अंदर चलते हैं। दोस्तों देखिए किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है हर वक्त, काफ़ी लोग जो है दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं
इनकी बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको अंदर के हालात दिखा रहा हूँ। काफ़ी ये भी खूबसूरत दरगाह है, वो आप सामने वाला फ्रंट वाला जो दरगाह है वो शाह इस्माइल कादरी का, और ये जो है नाम मुझे बताया लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी ये भी खूबसूरत दरगाह है, सेम उसी तरह जो है दरगाह है, और अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इंशाल्लाह जो है किसी दिन आकर यहाँ के हालात वगैरह के बारे में बताएंगे, और गूगल में पहले सर्च मारेंगे इसके बारे में, इंशाल्लाह उसके बाद बताएंगे आपको। तो काफ़ी खूबसूरत दरगाह है, और ये खादिम हजरात है जो साफ़ सफाई का भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, एक खूबसूरत दरगाह के साथ इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि सभी के लिए कि हम जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह खुश रखे इनके वसीले से, और खुसूसन हमारे माँ बाप को इनके वसीले से खुश रखे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए यहाँ मैं अपनी ब्लॉग का वीडियो बंद कर रहा हूँ।